तो दोस्तों अभी आप इनको देख रहे हो, इनका YouTube चैनल भी अभी दिख रहा है, और ये इतनी बड़ी गलती किए हैं कि सक्सेस पाने के लिए हर कोई यूट्यूबर ये गलती कर ही सकता है। अभी इनके चैनल पर आप देख सकते हो कि 105 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन किसी टाइम पर आज से 10-15 दिन पहले इनके चैनल पर कम से कम कितने सब्सक्राइबर थे, 15,000 से 20,000 सब्सक्राइबर थे। और 15,000 से 20,000 सब्सक्राइबर वाला जो इनका यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। और ऐसी गलती जो ये किए हुए हैं, ऐसी गलती हर एक नया यूट्यूबर करेगा। वो शॉर्ट टर्म पे अपने चैनल को जल्दी से सक्सेस पाने के लिए, मतलब सफलता पाने के लिए, यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए वो ये गलती जरूरी करता है। और इनका फर्स्ट पेमेंट भी आने वाला था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मुझसे मिलने के लिए काफ़ी दूर से आए हुए हैं, सुबह सुबह ये मेरे से आए, और मैं अभी अभी बस वीडियो बनाने जा रहा था तब तक इनका कॉल आ गया। ये मेरे से बोले, सर हम आपसे बहुत जरूर, मतलब बहुत दूर से मिलने के लिए आए हैं, प्लीज़ आप मेरे से बात कर लीजिए, आप मेरे से थोड़ा सा मिल लीजिए, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर देखिए, इनका एक ही चैनल नहीं है, ये एक चैनल के बजाय इन्होंने कई सारे ऐसे चैनल यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। आपको यहाँ पर मैं स्क्रीन शॉट में दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये 10वां जो इनका जो पहला वाला चैनल था जिसपे 15,000 से 20,000 सब्सक्राइबर थे। अब 15,000 से 20,000 सब्सक्राइबर इन्होंने कैसे किया हुआ था वो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो से आपको इतना ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलेगा कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। आपको इस वीडियो से ऐसे ऐसी चीज़ सीखने को मिलेगी कि आप फ्यूचर में आप कभी वो गलती लाइफ में करोगे नहीं। और 90% ऐसे यूट्यूबर हैं जो ये गलती करने वाले हैं या कर रहे होंगे, और अगर आप कर रहे होगे तो इसे तुरंत बंद कर दीजिएगा, और अगर आप करने वाले होगे तो भैया इस वीडियो को देख करके आप सीख लीजिएगा आपको गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इनके चैनल को दिखा दे रहा हूँ कि ये चैनल पर जो काम कर रहे हैं, आपको यहाँ पर इनके चैनल पर दिख रहा है 105 सब्सक्राइबर। आज से 10-15 दिन पहले इनके चैनल पर 15,000 सब्सक्राइबर थे। अब ये बताइए कि जिनके चैनल पर 10 से 15,000 सब्सक्राइबर था वो डिलीट हो गया और 105 सब्सक्राइबर पर तुरंत आकर के अटक गए, कैसा फील हो रहा होगा। फिलहाल ये जो है वीडियो बना रहे हैं, मेरे से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, ये मेरे से बोले कि सर मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ। और ये मैं बात खुद मैं ये नहीं बोलूँगा, ये खुद आपसे बोलेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। थैंक यू सर मेरे को थोड़ा टाइम देने के लिए, ठीक है। तो मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ आपसे मिलने की। मेरा जो चैनल था उसमें बहुत सारे गलतियाँ मैंने किया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला जो है उसको करके हम यूट्यूब पे डालते थे, तो उससे बहुत सब्सक्राइबर तो गेन हो रहा था, ठीक है। वॉच टाइम भी थोड़ा कंप्लीट होने वाला है, पेमेंट भी सब कुछ होना, लेकिन मतलब नहीं, इस पे वॉच टाइम कंप्लीट अभी होने वाला है ना, उस पे तो आपका पेमेंट आने वाला था, तो ये थोड़ा सा नर्वस में है, ठीक है, मेरे से मिलने आए, थोड़ा सा नर्वसनेस है इनके अंदर में, इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर बोल सकते हैं, ठीक है। और मैं आपसे थोड़ा सा, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा एकदम रिलैक्स हो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम से समझिए कि आपका घर है, ठीक है। आप मेरे पास आए हो, आप मुझे अपना छोटा भाई समझ लीजिए, आप मेरे से उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं ये, लेकिन आप मुझे अपना छोटा भाई समझ लीजिए, और अपने आप को बड़े भाई की समझ की तरह आप मेरे से ट्रीट कीजिए। आप बिल्कुल भी नर्वसनेस मत होइए, ठीक है। नर्वस तो मुझे होना चाहिए भाई कि आप मेरे से उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े हो, हाँ भले से मुझे नॉलेज है, लेकिन बड़ा भाई तो बड़ा भाई होता है, तो आपको बिल्कुल भी डरने वाली, मतलब नर्वस होने वाली बात नहीं है, आप खुल के मेरे से बात कीजिए, ठीक है। तो इनका जो है, बड़े भैया का जो है पेमेंट आने वाला था, और वो YouTube चैनल डिलीट हो गया। अब डिलीट क्यों हुआ, और सबसे पहली मैं बात आपको बता दे रहा हूँ, इस चैनल की गलतियों के बारे में बताऊंगा, जो इनके करंट चैनल पर ये अभी काम कर रहे हैं इसकी गलतियों के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, इससे भी आपको सीखने को मिलेगा। और थोड़ा आप कैमरे में देखिए, लोगों को लगे कि हाँ, नहीं तो आप कैमरे, सबसे बड़ी बात देखिए क्या है ना, देखो नए यूट्यूबर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो कैमरे में नजर नहीं मिला पाते। आप ब्लॉगिंग करते हो, ये अभी ब्लॉगिंग चैनल अपना स्टार्ट किए हुए हैं, और इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है वो एक ब्लॉगर समझ सकता है। अगर आप एक नए यूट्यूबर हो और ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किए हो और ब्लॉग वीडियो बनाती हो, तो इनकी अभी जो मैं प्रॉब्लम बताऊंगा ना, वो सेम आपकी प्रॉब्लम होगी, और उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा। तो बताइए अभी क्या बता रहे थे सर। पहला जो ब्लॉगिंग चैनल में स्टार्ट किया, जो मेरे मन में वो तो मैंने कॉपी पेस्ट वाला चैनल था, ठीक है, उसमें तो फेस कैम का कोई मैंने दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब भी मैं ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया तो एक बात दिमाग में बहुत स्ट्राइक करता है कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, ये बात मैंने पूरे दिमाग में बैठ गया कि लोग क्या सोचेंगे, अगर हम लोग क्या सोचेंगे इस बात को लेकर आगे बढ़े तो काम हमको छोड़ देना चाहिए, ठीक है, ये काम नहीं होना, नहीं छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। दोस्तों एक बात मैं आपसे बोलूंगा कि ये शर्म और ये लाज
ठीक है, औरतों को शोभा देता है, रियलिटी बता रहा हूं, शर्म और लाज औरतों को शोभा देता है, मर्दों को शोभा नहीं देता। और अगर आपको देखो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आपके दिमाग में जिस दिन बैठ गया कि इस काम से मेरा घर चलता है, इस काम से मेरे बीबी बच्चों का, मेरे परिवार का पेट पलेगा, तो उस दिन से आप अपने शर्म को छोड़ दोगे। आपके अंदर में शर्म नहीं आएगी भैया, खुद ब खुद आपके अंदर में शर्म चली जाएगी। जिस दिन आपके अंदर में ये आ गया कि भैया इस काम से मेरा परिवार चलता है, इस काम से मेरा घर संसार चलता है, तो दुनिया भले से आपको कुछ ताना माना मारते रहे, लेकिन आपके अंदर में शर्म चली जाएगी। वो कैसे चली जाएगी, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। इस एग्जांपल से कोई अपने दिल पे मत लेना। एक मान लीजिए, यहां पर नीचे मैं देखते रहता हूं, जो नाली साफ करते हैं, ठीक है, जो गटर में जाकर के एक नाली साफ करते हैं, क्या उनको शर्म नहीं लगती है? हाँ, उनके बच्चे भी होंगे, उनके बच्चों को कोई नहीं बोलता होगा कि आपके पापा तो, तेरे पापा तो गटर में काम करते हैं, गटर का कपड़ा कचरा निकालते हैं। लेकिन वो आदमी वो फिर भी काम करता है, क्यों? बिना शर्म किए, बिना लाज शर्म किए हुए, क्योंकि उससे उसके घर का, उसके परिवार का पेट चलता है। तो अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, कुछ हट करके कर रहे हो, तो आपको किस बात का शर्म है? किसी चीज की शर्म होनी चाहिए, तो फिर क्यों शर्म है? भैया हमारे पास मोबाइल है, हम किसी से तो रोटी नहीं मांगने जा रहे हैं, हम किसी से पनाह तो नहीं मांगने जा रहे हैं कि भैया हमको तुम एक पैसा दे दो, नहीं। खुद मेहनत कर रहे हो ना, तो शर्म, लोग ताना मार रहे हैं, मारने दो, ताना मारने मारने दो, उससे क्या फर्क, क्या फर्क पड़ता है? कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ये बात सही है। ताना मार रहे हैं भैया, मारने दो, क्योंकि ताना वही लोग मारते हैं जो कर नहीं पाते। आपके अंदर में एबिलिटी है, आपने कुछ अलग हटके करने की कोशिश की, वो नहीं कर पा रहे हैं तो ताना मार रहे हैं, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे। उनको ये लगेगा कि अरे यार हो सकता है कहीं आगे निकल जाए तो मैं तो पीछे रह जाऊंगा, तो ताना मार के ही इसको दबा देते हैं। लेकिन अगर उस ताने को आप लोगे कि यार मुझे ताना मार रहे हैं, मुझे काम नहीं करना है, तब तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। उस ताने को आप सुनिए, और उस ताने को सुन करके उनको रिप्लाई क्या दीजिए, अपने सक्सेस से रिप्लाई उनको दीजिए, ठीक है। आपको डिप्रेशन नहीं होना है, अरे यार मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, अरे यार मेरे परिवार समाज वाले क्या सोचेंगे। कभी भी अगर मैं ये सोचता, मेरे घर वाले भी मुझे बहुत ताना मारे हैं, मार भी पड़ी है, ठीक है, बीबी के सामने भी मार खाए हैं, परिवार वालों ने मारे हैं, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आज, आज के टाइम पर आप देखिए, लाखों में कमा रहा हूं, तो अगर मैं शर्म किया होता, लोग मेरे से बोल लेते हीरो बनने चला, वीडियो बनाने चला, कोई कौन तुझे देखेगा? मेरे घर वाले बोलते थे, या और समाज वाले बोलते थे, कौन तुम्हारी, मेरे घर वाले की बात छोड़िए, लोग बोलते थे कि कौन तुम्हारी वीडियो को देखेगा। आज कौन मेरी वीडियो को नहीं देख रहा, लाखों लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और ये मेरे से मिलने भी आए हैं। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे से मिलने, मेरे परिवार वाले मेरे से बात नहीं करते थे, कुत्ते की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन आज मेरे से मिलने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। लेकिन क्यों, क्यों? मेरे काम की वजह से, ना, मेरे काम की वजह से। तो आप करिए, आप शर्माइए मत। तो यहां पर देखिए, ये जो वीडियो ये बना रहे हैं, ये अपने वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो आपने अपने चैनल पर गलती की, इन्होंने अपने चैनल पर गलती क्या की कि भाई साहब ने गूगल एड से अपने चैनल को प्रमोट किया, ठीक है। कम से कम 90,000 रुपए के करीब में इनका गूगल एड से लगा। किसी की वीडियो इन्होंने देखा, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी की वीडियो को इन्होंने देखा, उस वीडियो में बताया गया था कि आप गूगल एड्स चलाओ अपने चैनल पर, गूगल एड्स बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसकी समझ अगर नहीं रहेगी तो आपको लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। उस 90,000 रुपए से ये 15 से 20,000 सब्सक्राइबर गेन किए, वॉच टाइम इन्होंने खुद से कंप्लीट किया। और ये वीडियो कैसे बनाते थे, ये क्रिकेट वाली वीडियो को, ये खुद बताएंगे, आप बताइए। सर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता था, ठीक है, उस जो हो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब हुआ उसको एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद हम अपलोड करते हैं, कोई ऐसा कोई मैंने टैग वाला व डिस्क्रिप्शन वैसे कोई कुछ भी नहीं लिखता था, और कोई किसी को क्रेडिट भी नहीं देता था, तो इसलिए मेरा चैनल में थोड़ा स्ट्राइक भी आ गया और वो चैनल डिलीट भी हो गया। थोड़ा नहीं स्ट्राइक आया था, 3 बार स्ट्राइक आया था, तीसरी बार चौथी बार में इनका चैनल डिलीट हो गया था। अगर आप मान लीजिए जो मान लीजिए जो IPL ओपीएल जो मैच वैच चलते रहते हैं उसकी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने चैनल पर डालोगे, तो भैया जाहिर सी बात है उस पर स्ट्राइक आएगी, चाहे आपके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर क्यों ना हो, चाहे आपने चैनल पर लाखों रुपए लगा करके उस चैनल को खड़ा किया हो। YouTube ये नहीं देखता, YouTube को बस अपने नियम से मतलब है। आप उसके नियम के अंदर में काम करोगे तो भैया वो आपको सम्मान से आपको YouTube पे बोलेगा काम करो, आप पैसे कमाओ। लेकिन उसके नियम के खिलाफ आप जाओगे तो आप चाहे करोड़ों में आपके सब्सक्राइबर हैं, आपके चैनल को वो डिलीट करने में बिल्कुल भी सोचेगा नहीं, डिलीट कर देगा, ठीक है। फिर आपको रोने से कोई फायदा नहीं। अब यहां पर देखिए, ये जिस चैनल पर काम कर रहे हैं उस पर ये गलती क्या कर रहे हैं। अभी इनके चैनल पर देखिए, मैंने आपको दिखाया कि 10-15 चैनल इन्होंने बना करके अपने काम कर रहे हैं। तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपको एक मंजिल पर जाना है और 10-15 रास्ता मैं बना दूं,
ठीक है, 10-15 रास्ता में खड़ा कर दूं, बोलूं कि इस रास्ते पे चले जाओ, 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 तो दिन भर खड़े होकर सोचते रहोगे कि किस रास्ते को मैं पकड़ के जाऊं मेरी मंजिल मुझे मिल जाएगी। अगर वही मंजिल के लिए सिर्फ एक रास्ता रहे और उस रास्ते पर चाहे कंकड़ पत्थर कांटे आग तूफान कुछ भी रहे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आप चल के जाओगे। लेकिन आपके पास में 50 रास्ते रहे ना, तो कभी इस पे से जाओगे, तो कभी इस पे जाओगे, थोड़ी दूर उस पे चले जाओगे, तो बोलोगे अरे यार वो रास्ता बहुत अच्छा था, उस पे मैं चला जाता हूँ, ठीक है। फिर उस पे थोड़ी दूर जाओगे, तो बोलोगे अरे यार वो रास्ता बहुत अच्छा था, तो इसी में भटकते रह जाओगे। 50 चैनल पे काम करने की बजाय एक चैनल पर 50 चैनलों का मेहनत आप कर दो, देखो वो चैनल ग्रो ना हो तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा अपना। ये बस सही है, ठीक है। तो ये वही कर रहे हैं कि भाई 10 चैनल 15 चैनल ओपन कर लिए, अब 10 15 चैनल ओपन करने के बाद थोड़ा मेहनत उस पे की, थोड़ा मेहनत उस पे की, थोड़ा मेहनत उस पे की, तो थोड़ा थोड़ा मेहनत जो 10 चैनल पे आप कर रहे हो, वही एक चैनल ओपन करने के बाद थोड़ा थोड़ा वही 10 चैनल का मेहनत एक चैनल पे कर दो, तो ग्रो होगा कि नहीं ग्रो होगा? गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना, सही बोल रहा हूँ। एग्री हो कि नहीं हो, सामने बोलो सबके सामने। मैं एग्री हूँ सर के बात से, मैं एग्री हूँ। एग्री हो ना? तो यहाँ पर देखो, अब ये चैनल पे क्या कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर रेगुलर ये कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, 2 दिन पहले, 6 दिन पहले, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, 12 दिन पहले। अब ब्लॉग चैनल अगर है आपको स्टार्टिंग में ग्रो करना है, तो कॉम्पिटिशन का जमाना आपको मालूम है कि ये 2023 आने वाला है। अब 2023 में कितने लोग, हम 2020 में अपना चैनल स्टार्ट किए थे, कॉम्पिटिशन मान लीजिए 2020 में मान लीजिए 1000 लोग थे, 2020 में मेरे को देख करके जब मेरा चैनल ग्रो हुआ तो 2021 में मेरे से इंस्पायर्ड होकर के 1000 लोग आए, ठीक है। अब जब देखेंगे एक्टिव राहुल सर ज्यादा पैसा कमाने लगे, बहुत अच्छा अपना लाइफ स्टाइल बना रहे, तो 1000 के बजाय 10,000 लोग आए, तो कॉम्पिटिशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो जब कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो आपको अपने काम को और भी ज्यादा हार्ड, मतलब और भी ज्यादा अच्छा करना चाहिए कि कम करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए ना। आप किस हिसाब से काम कर रहे हो? आप उसी 4 साल पीछे वाले काम की तरह कर रहे हो। यहाँ पर आप देखिए, आप थंबनेल ठीक ठाक बना रहे हो, लेकिन रेगुलरिटी आपके अंदर में है? यहाँ पर देखो, आपने कल एक वीडियो डाला है, ठीक है, अभी इसको प्राइवेट आपने किया हुआ है, 2 दिन पहले डाला, 6 दिन पहले डाला, 4 दिन का गैप हुआ, फिर इसके बाद आपने 10 दिन, 3 दिन का गैप हुआ, फिर इसके बाद 12 दिन, 2 दिन का गैप हो रहा है। तो आप सोचिए, अब आप मान लीजिए 4 दिन की गैपिंग करके आप वीडियो डाले हो, अब 4 दिन की गैपिंग करके आप वीडियो डालोगे, उसी में कोई एक नया यूट्यूबर आएगा और वो आपके वीडियो में गैपिंग देख करके आपसे ज्यादा वीडियो अपलोड करेगा, तो कौन बढ़ेगा? आगे आप बढ़ोगे या वो बढ़ेगा? भले से आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर, 4000, 10000, 20000, 25000 सब्सक्राइबर क्यों ना हो जाएं, गैपिंग आप करोगे तो आपके पीछे वाला आपके गैपिंग का फायदा उठा करके आपसे आगे निकल जाएगा। तो कॉम्पिटिशन है भाई, यहाँ पर आपको बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपके चैनल की अब गलतियों को बता रहा हूँ, ठीक है। इतना तो मैंने आपको मोटिवेट किया, लोगों को मोटिवेट किया और इनकी गलतियों के बारे में बताया, और ये भी बताया कि एक नया यूट्यूबर, एक नया ब्लॉगर जब आता है तो उसको किस चीज़ को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मालूम है भाई कि आप बाहर लेके निकलोगे इस तरह से, जब कैमरा उठाओगे तो 10 निगाहें इस तरह से देखेंगी, ठीक है। अब वही 10 निगाहें ये मत सोचो कि मुझे शर्म आ रहा है, वही 10 निगाहों को आप एज अ व्यूज की तरह सोचो कि जब मैं इस तरह से लेके निकला हुआ हूं मार्केट में, आप पूरे मार्केट में देखो, क्या आपके तरह वहां पर कोई और इस तरह से मोबाइल निकाल के खड़ा हुआ है? नहीं खड़ा हुआ है, तो आपको वहां पर फक्र होना चाहिए कि मैं इन सब लोगों से अलग काम कर रहा हूं। ये बात सही है, ठीक है, इन सब लोगों से मैं अलग काम कर रहा हूं, इन सब लोगों की तरह नहीं हूं कि सुबह उठा ब्रश मंजन किया 9 से 6 वाली ड्यूटी पकड़ करके मैं उसी में घूमे जा रहा हूं, इन सब लोगों से मैं अलग काम कर रहा हूं। वहां पर आपको देखना चाहिए यार भाई कि देखो मैं डिफरेंट हूं, अपने आप को डिफरेंट मानो और काम करो, देखो आप कितने अच्छे से आप काम करोगे। लोगों की गालियों को आप तालियों की तरह लीजिए, लोगों को ताने को आप मोटिवेशन की तरह लीजिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहां पर इनका चैनल है, अब मैं इनके चैनल को मैं अपने यूट्यूब अपने लैपटॉप में ओपन किया हूं, अपने कंप्यूटर पर ओपन किया हूं, तो यहां पर मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको मैं दिखा देना चाहता हूं। देखिए, एक तरफ इनकी वीडियो है और एक तरफ मेरी वीडियो है। इसका SEO देखो 92% है, ठीक है, 49% है, और यहां पर आप SEO देखोगे 96% है। और एक तरफ मैं इनकी वीडियो को ओपन किया हुआ हूं, ये देखिए इन्हीं का वीडियो है, ये देखिए यहां पर दिख रहा हुआ इनका थंबनेल दिख रहा है। तो यहां पर देखिए इनका 100 में से सिर्फ 20% SEO है, और नीचे में आप देखोगे तो 22% SEO। अब नए यूट्यूबर जो हैं वो अपने वीडियो का SEO नहीं कर पा रहे। यहाँ पर आपने देख लिया, इस फ्रेम में देख लिया, मैंने आपको अपनी वीडियो का SEO दिखाया और इनकी वीडियो का SEO दिखाया। गड़बड़ी क्या है कि आप वीडियो तो बना रहे हो, लेकिन आपको वीडियो में क्या क्या सेटिंग्स, क्या क्या SEO कैसे करना, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना है, वो सब चीजें आपको नहीं पता है। तो ये आप सीखोगे कैसे? हम जो वीडियो बना रहे हैं, हम तो फोकट वाली वीडियो बना नहीं रहे भाई, हम मेहनत करें, आप देख सकते हो मैं मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो बना करके आप लोग को क्या सिखाऊंगा? अब मेरे चैनल पर जब
96% SEO, ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 100% 100% SEO है। तो यही तो मैं आपको बताऊंगा ना अगली वीडियो जब मैं अगर बनाऊँ कि SEO कैसे करते हैं, तो मैं अपना जो चीज सीखा हुआ हूँ वही तो मैं आपको बताऊंगा ना। अब गलती आप लोग की है कि भाई आप देखो या सीखो या ना सीखो, है कि नहीं? बात बता रहा हूँ, गलत बात बता रहा हूँ कि सही बात बता रहा हूँ? सही बात बता रहा हूँ ना। तो ये चीज सीखने की है। अब यहाँ पर कंक्लूजन निकल करके आता है कि इनसे आप लोग को सीखने के लिए दो चीजें सीखने को मिल रही, तीन चीजें सीखने को मिल रही। पहली बात कि जब तक कोई चीज की जानकारी ना हो उस पर आप काम ना करो। इनका 80-90 हज़ार रुपये बर्बाद हो गया, चैनल भी चला गया, चैनल डिलीट भी हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ये क्रिकेट वाली वीडियो डालते थे। दूसरी बात, 50 चैनल बनाने की जरूरत नहीं है, आप भटकते रह जाओगे, लास्ट में फ्रस्ट्रेट होकर के आपने चैनल को छोड़ करके हट जाओगे, बोलो कि यार यूट्यूब में कुछ नहीं है, सब लोग बेवकूफ बनाते हैं। लास्ट में जब जो कोई कुछ नहीं कर पाता वो यूट्यूबर को ही दोष देता है कि यार ये कुछ कर नहीं पाता, ये सिर्फ ये इनकी वीडियो से कुछ नहीं होता है, सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। क्योंकि अपने अंदर की कमी को लोग झांकते नहीं कि भैया मेरे अंदर में कमी क्या है। लोग अपने अंदर की कमी को नहीं झांकते हैं कि मेरे अंदर में क्या कमी है, वो दूसरों को ब्लेम देते हैं, अरे यार इसकी वीडियो से कुछ नहीं होता, ये बकवास की वीडियो बनाता है। लेकिन सीखने वाला सीख करके, आज मैं भी यूट्यूब से ही सीख करके मैं यहाँ तक पहुंचा हुआ हूँ, है ना। तो आप 50 चैनल बना करके 50 जगह पे काम करने की जरूरत नहीं, एक ही चैनल बनाओ उस पर रेगुलर काम करो। देखो ग्रो नहीं होता है तो आप बताना, एक्टिव राहुल नहीं बोल रहा हूँ तो मैं चैनल अपना छोड़ करके चला जाऊंगा यूट्यूब से, ये रही दूसरी बात। अब यहां पर मैं तीसरी बात क्या बोल रहा हूँ, कंपटीशन देखो बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि आप सोच नहीं सकते हो, और वो भी आज के टाइम पर यूट्यूब पे। सबको पता है कि यूट्यूब से लाखों करोड़ों मिलते हैं, तो उस कंपटीशन के दौर पे अगर आप कंटेंट क्वालिटी कंटेंट नहीं प्रोवाइड करोगे तो आपको मार्केट में कोई नहीं पूछने वाला। ये बात सही है, ठीक है, आपको मार्केट में कोई, देखो ना कई कई सारे ऐसे लोग पड़े हुए 4-4, 5-5 लाख सब्सक्राइबर लेकर पड़े हुए, लेकिन उनकी वीडियो पर आप जाके देखोगे तो बिल्कुल व्यूज नहीं आता। क्यों? क्योंकि क्वालिटी कंटेंट नहीं दे रहे हैं, जनता को आज जो चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। ये बात सही है। अब पुराने जमाने की तरह 5-6 साल पहले ही सोच रहे हो जैसे उसने किया था उसी तरह से मैं भी करूंगा, तो अरे भैया समय चेंज हो गया है, समय के हिसाब से चलो। अब उसने वो किया था तो गांव में कहावत है कि अरे देखो वो उस तरह से पढ़ा था, वो उस तरह से किया, तुम भी उसी तरह से करो ना। ऐसे नहीं करना है, नया तरीका ढूंढो, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप खुद से नए तरीकों को ईजाद करोगे तो लोग आपको पूछेंगे, आपका नाम होगा। पुराने किसी के रास्ते पर चलोगे तो भैया मंजिल तो मिलेगी, लेकिन दूसरे के रास्ते पर चलोगे, लेकिन खुद से रास्ता बनाने की कोशिश करो। जिस दिन खुद से रास्ता बनाओगे उस दिन नाम शोहरत पैसा सब कुछ होगा और लोग आपके रास्ते पे चलने के लिए सोचेंगे। एकदम सही, एकदम सही, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? तो इस तरह से आप काम कीजिए। इस वीडियो से आपको जो चीज सीखने को मिले होगी कमेंट में आप नीचे जरूर करना, और इनके चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दे रहा हूँ। ये काफी सारे मेहनत किए हुए 10-15 चैनल बना चुके हैं, 1 लाख रुपया बर्बाद कर चुके हैं, और 1 लाख रुपया से ज्यादा छोड़िए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, 15,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल और फर्स्ट पेमेंट आने वाला सब्सक्राइबर चैनल इनका डिलीट हो गया है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा दुख तकलीफ होगी, ये कितने ज्यादा दुख में होंगे। आपको बस क्या करना है, इनके चैनल पर जाकर के सपोर्ट करना है, लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और मेरे से काफी दूर से आए मिलने के लिए, आप भी मेरे से मिलने आ सकते हो, आप भी मेरे से मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका कोई प्रॉब्लम हो मेरे पास में आइए, मैं किसी को भगाऊंगा नहीं भैया, मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि यार मेरे को मिलना नहीं है, आपको मेरे से मिलने में कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था तो मैं क्या किया, मैसेंजर में फेसबुक पे मेरे से फेसबुक से कांटेक्ट किए, फेसबुक पे उन्होंने कॉल किया और मैंने आपका फोन उठा लिया, एक बार भी फोन उठा लिया सर, ठीक है। और ये मेरे से बोले सर मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं तो उम्मीदें छोड़ ही दिया था, ठीक है, मैं यूट्यूब में काम करूँ या ना करूँ, तो फिर सर के वीडियो देखते देखते बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ, इसलिए मैं अभी तक भी यूट्यूब में टिका हुआ हूँ। नहीं आप काम करो, मैं आपको बता दूँ, आप ये चीज़ें देख लो, आज मैं जो चीज़ यहाँ से खड़ा किया हूँ, ये जिस जगह पर आप बैठे हो, जिस जगह पर आप हो, यहाँ पर मेरी औकात नहीं थी, लेकिन यूट्यूब ने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया, YouTube ने मुझे यहाँ पर ला करके खड़ा किया और मैंने आपको अपना YouTube का पेमेंट भी दिखाया। तो अब आप सोचिए, जब मैं कर सकता हूँ, दो हाथ पैर आपको भी दिए हैं, दिमाग आपको भी दिए हैं, सब कुछ चीज़ें आपको मिले, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो भाई? क्यों सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता हूँ? आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं कर सकता हूँ? जिस दिन आप अपने अंदर में से इम्पॉसिबल वर्ड आपने सुना है ना, इम्पॉसिबल में IM को हटा दीजिए पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल एक खुद पॉसिबल है, वो खुद बताता है कि इसमें से दो चीज़ों को आप निकाल कर फेंक दीजिए, अपने अंदर में से आप आलस, अपने अंदर में से आप बुराई को निकाल कर फेंक दीजिए, देखिए आप हर चीज को आप पॉसिबल करके आप संभव कर सकते हो। सही बोल रहा हूं कि गलत? एकदम सही, एकदम सही, ठीक है।
तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाली है और भाई के चैनल को आपको सपोर्ट जरूर करना है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर आए और मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, बहुत खुशी हो रहे हैं। ठीक है, मेरा दिल में एक मैंने बहुत दिनों से इच्छा था कि आपसे मिल लूँ, ठीक है, लेकिन कुछ मैंने नाना झंझट की वजह से आपसे नहीं मिल पाया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फाइनली आपसे मिल लिया। और अभी मैं इनके नाश्ता वास्ता पानी वानी कराऊंगा भाई, क्योंकि बहुत दूर से आए हैं। ठीक है, बिना खाना पीना खाए तो मैं इनको जाने नहीं दूंगा, हाँ, क्योंकि कोई इतने दूर से आए और मैं उसका स्वागत किए बिना ही, चाहे वो छोटा सब्सक्राइबर हो चाहे वो बड़े सब्सक्राइबर हो, मेरे लिए हर कोई भाई जैसे मैं हूँ उसी तरह से मैं सबको देखता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई मेरे चैनल पर इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं तो मैं आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर तो मैं आपको हटा दूँ, अरे नहीं भाई, आप भी उसी तरह से मेहनत करो, क्योंकि किसी टाइम पर मैं भी इन्हीं की जगह पर था, किसी टाइम पर मैं भी आपकी जगह पे था, तो मैं हर किसी की प्रॉब्लम को, मैं हर किसी की तकलीफ को समझता हूँ भाई। ये जिस तरह से आप सोच रहे हो कि मैं भी पैसे कमाऊँ, पैसे कमा करके अपने फैमिली के लिए कुछ करूँ, उसी तरह से मैं भी कभी सोचता था, तो मैं क्यों आज किसी में भेदभाव करूँ। सर, जिस तरह से सपोर्ट करते हैं हम लोगों का वो, और कोई यूट्यूबर, कोई टिप्स वाला जो चैनल है कोई नहीं करता, वो ये बात हम मैंने दावे से कह सकता हूँ। देखिए, मैं कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करता हूँ, हाँ चलो भाई ठीक है, नहीं हो तो हम लोगों का मानना है ना। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और अगर आपको भी मिलने आना है तो आप भी मुझसे मिलने आ सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।